हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदास किचन। तो आज की जो रेसिपी है वो बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होने वाली है, जो कि हम डेली भी खा सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पंजाबी कढ़ी चावल की रेसिपी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। कढ़ी तो इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है कि आप कढ़ी को बिल्कुल चट कर जाओगे। और कढ़ी और चावल का जो कॉम्बिनेशन है वो तो लाजवाब होता है। राजमा चावल और कढ़ी चावल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन एकदम लाजवाब होता है। जब खाते हैं तो खाते ही रह जाते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कढ़ी के लिए प्रिपरेशंस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कढ़ी के लिए 2 ग्लास लस्सी ले ली है और उसमें मैंने 4 चम्मच बेसन ले लिया है। तो अगर आप इस क्वांटिटी के हिसाब से कढ़ी बनाकर तैयार करेंगे तो आपकी कढ़ी बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट से बनेगी और बिल्कुल परफेक्ट कढ़ी बनकर तैयार होगी। तो आप भी इसी क्वांटिटी से यूज़ कर ले। और अगर आप दही ले रहे हैं तो 1 कटोरी दही के लिए आप 2 चम्मच बेसन का यूज़ करें। मैंने यहाँ पर लस्सी का यूज़ किया है, तो आप इसके अकॉर्डिंग अपने क्वांटिटी को सेट कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग मेजरमेंट ले सकते हैं। और उसके बाद इसमें सारे मसाले ऐड कर लेंगे। तो मसालों में मैंने यहाँ पर आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच गरम मसाला और थोड़ा सा नमक डाल लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल ले। और यहाँ पर मैंने इस सारे घोल को ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया है। ध्यान रहे कि इस कढ़ी के घोल में बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए, चाहे आप दही में बनाएं या फिर आप लस्सी में। तो इसको बिल्कुल लम्स फ्री बनाना है। अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है तो आप इसको विस्कर से विस्क भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले लिया है और कढ़ाई में मैंने तेल गर्म करके उसको ठंडा कर लिया है यहाँ पर। और तेल के ठंडा होने के बाद यहाँ पर मैंने इसमें ऐड किया है 1/4 टेबल स्पून हींग, 1/4 टेबल स्पून मेथी दाना और 1 टेबल स्पून धनिया, साबुत धनिया का यहाँ पर मैंने यूज़ किया है। और साथ में 3 सूखी लाल मिर्च भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। और यहाँ पर इसी स्टेज पर हमें इसमें ऐड करने हैं 7-8 लहसुन बारीक बारीक कटे हुए और 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ। और सारी चीज़ों को ऐड करके एक बार कड़छी की हेल्प से चला लेंगे और इनके हल्का सा फ्राई होते ही हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। यहाँ पर मैंने 3 प्याज को स्लाइसेस में कट करके इसमें ऐड किया है। ऐड करने के बाद इसको एक बार कड़छी की हेल्प से चला लेंगे। और प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हमें सिर्फ इसको ट्रांसलूसेंट होने तक कुक कर लेना है। बस इसमें थोड़ा सा पिंकिश कलर आने तक हमें इसको कुक करना है, ज़्यादा इसको ओवर कुक नहीं करना है, क्योंकि फिर वो प्याज का क्रंच और प्याज का टेस्ट चला जाएगा। तो प्याज के थोड़ा पिंकिश होते ही हम यहाँ पर इसमें ऐड कर देंगे कढ़ी का घोल। और कढ़ी का घोल ऐड करते टाइम हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है, क्योंकि कढ़ी को डालते टाइम कई लोगों की कढ़ी जो है वो फट जाती है, लस्सी फट जाती है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि तेल जो है ज़्यादा गर्म होता है, तो जब हम उसमें कढ़ी का घोल ऐड करते हैं तो उस टाइम पर जो कढ़ी है वो फट जाती है। तो ध्यान रहे कि आपको गैस का फ्लेम ऑफ कर लेना है अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम होती है तो। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती तो आप गैस का फ्लेम लो करके भी इसमें कढ़ी का घोल ऐड कर सकते हैं। अगर आप परफेक्ट हैं इसको ऐड करने में, कढ़ी बिल्कुल भी नहीं फटती, तो आप गैस का फ्लेम लो करके कढ़ी को ऐड कर लें। तो कढ़ी को ऐड करने के बाद यहाँ पर हमें इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर 2 कटोरी पानी इसमें ऐड किया है। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कढ़ी की कंसिस्टेंसी ज़्यादा गाढ़ी चाहिए है तो कम पानी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको पतली पतली कंसिस्टेंसी चाहिए तो आप ज़्यादा पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर लें। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि कढ़ी का कलर जो थोड़ा लाइट था वो इसलिए था क्योंकि मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड नहीं की थी, वो मैं भूल गई थी, मेरे से स्किप हो गई थी। तो यहाँ पर मैंने इसको बाद में ऐड कर दिया है। आप उसको पहले ऐड कर सकते हैं, आप उसको कढ़ी के साथ घोल में भी ऐड कर सकते हैं, तो मैं भूल गई थी तो इसलिए मैंने कश्मीरी लाल मिर्च को बाद में ऐड किया है। तो कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने गैस के फ्लेम को हाई करके कढ़ी को रख दिया है कुक होने के लिए। इसमें हमें 1 उबाल आने तक वेट करना है। जैसा कि आपने पहले देखा था कि जो कढ़ी का कलर था वो बिल्कुल लाइट था, और अब जो कढ़ी का कलर है वो डार्क हो गया है। वो इसलिए है क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा पकती जाएगी तो इसका कलर डार्क होता जाएगा, और कढ़ी जो है वो धीरे धीरे कड़ती है तभी मज़ा आता है उसको खाने में, क्योंकि कड़ने के बाद जो उसका टेस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा निखर के आता है। तो देखें यहाँ पर इसमें उबाल आना शुरू हो गया है, धीरे धीरे इसमें उबाल आ रहा है। तो जब तक इसमें उबाल ना आए तब तक हमें गैस का फ्लेम हाई रखना है, और जब इसमें उबाल आ जाएगा उसके बाद हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे। तो इसमें यहाँ पर 1 उबाल आ चुका है, यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया है। और जब तक ये लो फ्लेम पर कुक हो रही है तब तक हम यहाँ पर अपने चावल उबाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी चावल लिए हैं। तो चावलों को उबालने के लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई का यूज़ किया है, इसलिए मैं इसमें काफ़ी सारा पानी ऐड कर रही हूँ। पानी आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं, जितने आप चावल उबाल रहे हो उससे थोड़ा एक्स्ट्रा पानी इसमें ऐड करना है, ताकि चावल भी अच्छे से उबल जाए और पानी भी बच जाए, क्योंकि अगर पानी ख़त्म हो जाएगा तो चावल नीचे से लगने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए हमें यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा पानी ऐड करना है।
तो यहाँ पर चावल उबालते टाइम हमें इसमें एक चम्मच घी भी ऐड कर देना है ताकि चावल बिल्कुल खिले खिले बने। तो देखिए चावलों के साथ साथ हमारी कढ़ी भी अच्छे से कुक हो रही है। जब तक चावल बन के तैयार होंगे तब तक कढ़ी भी बिल्कुल अच्छे से कुक हो जाएगी, अच्छे से कट जाएगी। तो मैं यहाँ पर कढ़ी को लगभग 40 से 45 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक करने वाली हूँ, क्योंकि जो कढ़ी का टेस्ट है वो इसके कड़ने से ही आता है। जो वो लो फ्लेम पर धीरे 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 बनती है तो उससे जो टेस्ट आता है वो बिल्कुल अलग ही होता है। और अगर आपको इस बात में कोई डाउट है तो आप एक काम करना, जब कढ़ी को बनते हुए 15 मिनट हो जाए आप उसके बाद एक बार कढ़ी को टेस्ट करना, और जब 40-45 मिनट हो जाए तब उसके बाद एक बार कढ़ी को टेस्ट करना। जो टेस्ट होगा उसमें खुद ही पता चल जाएगा आपको, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। आप खुद ही समझ जाओगे कि टेस्ट में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो अगर आपको बिल्कुल बढ़िया कढ़ी बनानी है तो आपको इसको अच्छे से कढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए अभी कढ़ी को तो चेक कर लिया है, अभी टाइम है चावलों को चेक करने का। तो देखिए यहाँ पर चावलों में उबाल आ चुका है और चावल धीरे धीरे पकने चालू हो गए हैं, और चावलों को पकने में लगभग यहाँ पर 20 से 25 मिनट का टाइम लगता है। 20-25 मिनट में अच्छे से चावल पककर तैयार हो जाते हैं। और अगर आप चावल को ज़्यादा देर पानी में उबलने देते हैं तो उससे जो चावल है वो ज़्यादा कुक हो जाते हैं, जिससे कि फिर वो बिल्कुल टूट जाते हैं, वो बिल्कुल भी साबुत नहीं रहते हैं। तो इसलिए हमें चावलों को 20 से 25 मिनट में पका लेना है। बस जब चावल अच्छे से कुक हो जाए, आपको ये लगे कि हाँ अब ये खाने लायक है, बस उतना हमें उसको कुक करना है, उतना हमें उसको उबलने देना है। अगर आप उसको ओवर कुक करेंगे तो फिर वो बिल्कुल ही पक जाते हैं, कुछ ज़्यादा ही पक जाते हैं, ओवर कुक हो जाते हैं, जिससे वो बिल्कुल चिपचिपे से लगते हैं। तो इसलिए हमें उनको बस इतना उबलने देना है कि वो बस खाने लायक हो जाएं, बस अच्छे से पक जाए, ज़्यादा ना पके, अच्छे से पक जाए, कच्चे ना लगे बिल्कुल भी खाने में। तो देखिए यहाँ पर चावल अच्छे से कुक हो चुके हैं, और मैंने आपको चावल को थोड़ा सा हाथ में लेकर भी दिखाया है, वो बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुके हैं, बिल्कुल पक चुके हैं। और पकने के बाद यहाँ पर उबलने के बाद इनको एक झरनी में इनको निकाल लेंगे, जिसमें थोड़े थोड़े छेद से होते हैं जिसमें से पानी निकल जाए, उसमें इनको निकाल लेंगे। और एक बार ठंडे पानी से वॉश कर लेना है इनको निकालने के बाद, ताकि जो इनमें चिपचिप है वो ना रहे बिल्कुल भी। अगर आप चावलों को उबालने के बाद एक बार ठंडे पानी में वॉश कर लेंगे तो उसके बाद इनकी जो चिपचिप है वो बिल्कुल खत्म हो जाते, बिल्कुल चिपकते नहीं है ये। चावल बनाते टाइम अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आपके चावल बिल्कुल भी नहीं चिपकने वाले, बिल्कुल खिले खिले चावल बनेंगे। और देखिए चावलों के साथ हमारी कढ़ी भी बनकर तैयार हो गई है। और अब लास्टली मैंने इसमें ऐड किया है थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को यहाँ पर मैंने क्रश करके इसमें ऐड कर लिया है। हमारी कढ़ी बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। इसको मैंने लगभग 40 से 45 मिनट के लिए धीरे धीरे लो फ्लेम पर पका लिया है। कढ़ी की कंसिस्टेंसी है वो भी बिल्कुल परफेक्ट है, और जो कढ़ी पहले हमने जितनी बनाई थी उससे काफ़ी कम हो चुकी है कढ़ी। कढ़ी मैंने पहले कढ़ाई भरकर बनाई थी और अब उसकी क्वांटिटी काफ़ी कम हो चुकी है, क्योंकि वो धीरे धीरे पक पक के वो बिल्कुल उसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो चुकी है। और गाढ़ी कंसिस्टेंसी ही कढ़ी की पसंद आती है, मतलब ना ज़्यादा गाढ़ी हो ना ज़्यादा पतली हो, बिल्कुल मीडियम कंसिस्टेंसी हो कढ़ी की तो खाने में मज़ा ही आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर कढ़ी की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल मीडियम कंसिस्टेंसी है, ना कढ़ी पतली है और ना ज़्यादा टाइट है। और अगर आपको थोड़ी ज़्यादा गाढ़ी कंसिस्टेंसी पसंद है तो आप गाढ़ी कंसिस्टेंसी भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ी चाहिए तो आप उसको थोड़ी और देर तक उबाल सकते हैं, जिससे कि कंसिस्टेंसी उसकी गाढ़ी हो जाएगी। तो चलिए अभी टाइम है हमारे यम्मी से कढ़ी चावल को सर्व करने का। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक थाली में चावल ऐड कर दिए हैं, और चावल के साथ साथ हम यहाँ पर इसमें एक कटोरी कढ़ी भी रखेंगे, और फिर हम अपने यम्मी से कढ़ी चावल को मज़े से इंजॉय करेंगे। अगर आप भी अपने घर वालों को ऐसे कढ़ी चावल बनाकर खिलाएंगे तो वो हर हफ्ते आपसे कढ़ी चावल की डिमांड करेंगे, और जिनके घर पे एक टाइम चावल बनते हैं वो तो इसको आराम से डेली बनाकर खा सकते हैं। इतनी ज़्यादा टेस्टी होगी कि आप डेली भी खाओगे तब भी आपका मन इससे नहीं भरेगा। तो आप इसको एक बार ज़रूर से ट्राई करना, आपको ये काफ़ी पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर से करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो नई नई वीडियो आए वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो और ऐसी मज़ेदार वीडियोज़ के लिए बने रहें वेदाज किचन के साथ।